एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता मीन्स इंजीनियर के रूप में भी विख्यात थे। उन्होंने सीखा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब हम अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते तो उन्हें पूरा करके ही रहते। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोटी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन न ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे और उनकी माता का नाम अशी अम्मा जैनुल अब्दीन था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार के सदस्य की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके सभी 5 भाई थे और 5 बहनें थीं और घर में 3 परिवार रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा। वह भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की। अब्दुल कलाम ने अपनी आर्मी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण करने का भी कार्य किया था। 1950 में मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद भी उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना में काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संस्था में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान LSV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अब्दुल कलाम मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक, विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाला, भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान के विकास के कार्य के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद में उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एयरस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। 27 जुलाई 2015 की शाम को अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आया और बेहोश होकर वह गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी हॉस्पिटल ICU में ले जाया गया। 2 घंटे के बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि भी की गई। अस्पताल के ICU जोन साइलो ने बताया कि जब अब्दुल कलाम को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी नर्व्स और ब्लड प्रेशर 60 छोड़ चुके थे। उन्होंने अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग के IIM में लेक्चर लेने जा रहे। मृत्यु के तुरंत बाद ही अब्दुल कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया। वहाँ से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर विमान से उतारा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन से देश भर में और सोशल मीडिया में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। दोस्तों, अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।